आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हैदराबाद के बहुत ही मशहूर पिस्ता हाउस की मटन हलीम। तो हलीम के लिए पानी में यहाँ पे अच्छे से मिर्ची को डाल दिया, तो फाइनली हलीम के लिए हमारे यहाँ पे मटन आ चुका है। तो टोटल भैया इसमें कितना मटन डाला जाएगा? 120। तो मटन को देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से पकाया जा रहा है। तो सर अभी क्या डाला जा रहा है इसमें? अभी जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरा धनिया। तो हलीम में मसालों को मिक्स किया जा रहा है, मसाले डाल दिए हैं, देसी घी डाल दिए है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से दम लगाया जाएगा। तो देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे रबर डाला जा रहा है। रबर डालने के बाद सभी कंटेनर को यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो हलीम बनाने के लिए सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे हमारा घोटा आ चुका है, इसी से पीट पीट के मटन को हलीम बनाया जाता है। तो हमारा हलीम का यहाँ पे फाइनल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है ना ये दाल डाल रही एकदम प्योर देसी घी इसमें डाला जा रहा है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनली पिस्ता हाउस की फेमस हलीम बनके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको बड़े से कंटेनर में यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो फाइनली हमारा हलीम यहाँ पे शॉप पे आ चुका है। तो हलीम के ऊपर डाला जा रहा है देसी घी। तो फाइनली हैदराबाद के फेमस पिस्ता हाउस का यहाँ पे फेमस हलीम लग चुका है।